जम्मू संभाग के आरएसपुरा, अरनिया व रामगढ़ सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी तथा गोलाबारी में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान आज शहीद हो गया। उसकी पहचान कांस्टेबल सुरेश के तौर पर हुई है। वह तमिलनाडु का निवासी था। वहीं पाक गोलाबारी में एक लड़की की मौत भी हो गई जबकि 6 अन्य नागरिक घायल हो गए। सीमा सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने कहा कि आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पर चौकियों और असैन्य इलाकों में रात 9 बजे गोलीबारी तथा गोलाबारी शुरू हुई थी। पाकिस्तान की ओर से दागे गए गोले अरनिया क्षेत्र में भी गिरे और कई गांव भी इससे प्रभावित हुए। पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों से अत्यंत सतर्क रहने को कहा है। वहीं सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान को सीमा सुरक्षा बल के जम्मू स्थित मुख्यालय में बल के आला अधिकारियों सहित राज्य पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी। उधर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के शर्मा ने कहा कि नियंत्रण रेखा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जहां नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन हो रहा था, वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी इसी तरह की हरकतें हो रही हैं। ये पहली बार नहीं है। आप जैसा जानते हैं कि 3 जनवरी को भी एक स्नाइपिंग की गई थी जिसमें हमारे एक अन्य जवान की शहादत हुई थी। उसके बाद भी BSF ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी एक्शन लिया जिसके फलस्वरूप वहाँ भारी मात्रा में जान और माल का नुकसान हुआ। जैसा आप लोगों को मालूम है, BSF अपनी ओर से कभी कोई शुरुआत नहीं करती है, लेकिन जब कभी वहाँ से शुरुआत होती है तो हम उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देते हैं, मुँह तोड़ जवाब देते हैं। इस बार भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं और हेड कांस्टेबल ए सुरेश की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।